नमस्कार, सुप्रभात। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आपमान को स्वागत करुचि भाग्य भविष्य लाइफ को। दर्शक बंधु आपण मानकर प्रश्न आपण मानकर समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मानक जत प्रश्न रहुचि समस्या रहुचि तले स्क्रीन ने फ्लाश होतबा नंबर रे आपण हमको कॉल करंतु। कॉल करिया बेले आपण आपकर सठिक जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्मस्थान कहतु। दर्शक बंधु जमीक आप जानते प्रत्येक दिन आम कि विषय उपर आलोचना करतमान समय बहुत को नहीं आलोचना करवाहिक दाम्पत्य सुख आपण को कमी मिल पार कौन अच्छी आपतक सुख बहुत देखुं मांगल्य भाव में कौन ग्रह मान प्रभाव रोचे आप लव म्यारेज करेंगे कि आरेंज म्यारेज आप आप लाइफ पार्टनर कमी स्वभाव आपको मिले मैरेज परे केते सुख शांति आपण पाई परबे से सब जिनस को देखुचंती चेक करचंती मांगल्य भाव को विशेष करी लग्न सेकंड हाउस फोर्थ हाउस सेवेन्थ हाउस एट्थ हाउस ट्वेल्थ हाउस को विशेष भाव देखुचंती कौन ग्रह मान स्थित रोचे जदि शुभ ग्रह अधिका प्रभाव रोचे तले बहुत भल रपर स्वभाव बहुत भल आपर पर बहुत भल आपण को लाइफ पार्टनर मिल पारे और मैरेज पहले बहुत भल अंडरस्टैंडिंग आपंकर बन पार लाइफ पार्टनर सहित जड़े कल जोड़ सहित कथ। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार कहतु क्या विषय जान सर मुझे कहतु पु जन्म तारीख छब्बीस अगस्त छब्बीस समय कहतु सकाल छा पंदर जन्मस्थान कहतु रायड़ा। कौन जाने चाहती पुंग विषय आपण से आपण जेमिति कहिथिले प्लस टू तीन क्लास ना। अच्छा कंपनी काम को जाई छी जे किछ रहिबा ता तार पय ठीक रहयोगी आउ सारा। अच्छा पांचटा टिके फोन रहउनी। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहते विशेषकर वर्तमान समय हेल्थ को लेकिन चिंता करूँ एवं सर्विस करने पिला मत चाहिए केते सक्सेस पिला को मिल पार जेहतु आप लग्न रोच सिंह लग्न अग्नि तत्व लग्न एवं लग्नाधिपति सूर्य आप जेहेतु लग्न में पोजिशन रखुच सूर्य बुध मंगल और बृहस्पतिर कंजक्शन हो बुध मध्य क्लोज कंजक्शन आसपाई बुध अस्त रोच मानसिक अस्थिरता कन्फ्यूजन शिकार पिला एवं जॉब को लेकिन जहाँ भी जॉब कर वर्तमान समय बहुत कम समय पर जॉब कर कहीं शनि जॉब कारग्रह सर्विस कारग्रह केतुर पूर्ण दृष्टि रोच शनि से बहुत कम समय जॉब कर बहुत कम समय पर जॉब मध्य निजे निजे आड़ छाड़ा चेष्टा कर प्रत्येक समय वर्तमान समय मध्य चली शुक्र रे केतु जोड़ा कि कंटिन्यू करुच्चे आपण को 2023 अक्टोबर पर्यंत 2023 अक्टोबर पर्यंत जॉब को लेकिन प्रोजेक्शन अच्छी जहाँ भी वर्तमान समय जॉब कर बहुत कम दिन किंतु आग को बहुत भल समय आसान को जॉब पर 9 अक्टोबर 2023 पर बहुत भल समय आस बहुत दिन पर्यंत पिला जॉब कर जॉब रे मध्य बहुत भल पोजिशन पिला पाईपर जहाँ भी योग्यता अच्छी पिला पाखे किंतु हेल्थ को लेकिन चिंता करुंट लग्न हेल्थ को रिप्रेजेंट करे लग्नाधिपति सूर्य उपर शनि प्रभाव रोच प्रत्येक समय हेल्थ को लेकिन सेनसीटिवनेस रोच किसी ना कि क्रोनिक डिजीज पिला भितर रोच मानसिक अस्थिरता मेंटल स्ट्रेस एवं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पेट संबंधित रोग प्रत्येक समय पिला फेस वर्तमान समय नेगेटिव अच्छे हेल्थ दृष्टिकोण से गोटे प्रतिकार करूँ प्रत्येक शनिवार दिन शिवलिंग में कंचा क्षीर चढ़ात और 27टी धूप सर्व बाधा प्रसमन्नम त्रैलोक्येशाखिलेश्वरी एवमेव तोया कार्यम मस्मद वैरी विनाशनम ए मंत्र 27टी धूप पिलार नामक चढ़ात और राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे ब्लू मून पिंधतु एवं ब्लैक कलर को टोटल एवॉइड करंतु ग्रीन कलर व्हाइट कलर पिंक कलर येलो कलर एवं रेड कलर को अधिक यूज करंतु बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस मिल पार आपण को आउ जने कल जोड़ सहित कथा बा। हेलो नमस्कार। नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे कहतु पुख जन्म तारीख 17 December 1995 1995 समय कहतु सकाल 8:37 जन्मस्थान कहतु
कौन जाने चाहूँ पुओं विषय आप ठीक अच्छे आज प्रश्न रोज मन भर देखा कनफ्यूजन आसब जिन देखा लग्न रोज मकर लग्न जेहतु मकर लग्न लॉर्ड शनि जेहतु लग्न को शनि ओन करना शनि विलंबर काराग्रह लग्नाधिपति कि सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रंग अच्छे मूल त्रिकोण अवस्था रोच जहाँ भी लाइफ आपबे प्रत्येक समय स्ट्रगल हे और विलंबर शिकार हे जहाँ भी पाइबे बहुत पॉजिटिव आपको मिल सर्विस बहुत भल मिल पार आपको किंतु वर्तमान समय नेगेटिव चलिए बृहस्पति दशा कंटिन्यू करुच्चे बृहस्पति बृहस्पति वर्तमान कंटिन्यू करुच्चे किंतु जहाँ भी सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार बहुत भल सर्विस आपड़ 21 एप्रिल 2023 पर बहुत भल समय आसो आपको किंतु बृहस्पति शनि 25 नवंबर 2022 पर चल बहुत भल समय स्टार्ट हे कि सर्विस अपॉर्चुनिटी 21 एप्रिल आपको मिल किंतु जेहेतु आपण जहाँ भी पिंधिंट जेम्सस्टोन वर्तमान समय जेहेतु आपको फेवरेबल नाइन समय आप स्ट्रगल करु आग को बहुत आप सक्सेस मिल पार जहाँ भी जेम्सस्टोन पिंधंट आपको लाइफ स्टोन आपड़ पिंधत बहुत भल सक्सेस आपको मिल पार किंतु ब्लाक कलर को टोटाल एवोड करूँ ब्लू कलर व्हाइट कलर सिल्वर कलर येलो कलर को अधिका यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्सेस मिल पार आपको आउ जने कला जोड चंदा से तो कथा बा हेलो नमस्कार कौन तो नमस्कार मु गोरखपुर को कहू छी मु मो जियो बिषय रे जानना चाहू छी कौन तो झंका जन्म तारीख 11 मार्च 1993 समय कौन तो 5:05 गोरखपुर कौन जाने 5:05 कौन जाने चाहूँगी झील को विषय आप झील मैरिज इतने डिले हो कौन पढ़ापढ़ी कर चुनती सर्विस पाई झील एमएस पास कर चुकी है एमएस है अच्छा केवे पढ़ापढ़ी चल ला एमएस है एमएस ठीक अच्छे आज्ञा आप जहाँ भी जाना चाहूँ विशेषकर सर्विस को लेकिन चिंता करूँ को सर्विस के मिल मेरेज के मिल मेरेज केवे हम आपंकर लग्न आपंकर सिंह लग्न रोच लग्नाधिपति सूर्य आपंकर जेहेतु सेभेन्थ हाउस शनि बुध सहित कंजक्शन करुच्च लग्नाधिपति शनि सहित क्लोज कंजक्शन आसपाई प्रत्येक कार्य आपको विलंब हो प्रत्येक कार्य को लेकिन आप स्ट्रगल कर वर्तमान समय जेहतु चली शनि दशा कंटिन्यू करुच्चे शनि आप जैसे नेगेटिव अच्छी किसी ना कि विलंब हो मेरेज पर मेरेज आप किंतु वर्तमान समय अधिक स्ट्रगल फेस करेंगे आपंकर मेरेजर समय आस 2024 फेब्रुवारी 17 फेब्रुवारी 2024 बहुत भल समय अच्छे आपको किंतु वर्तमान समय अधिक विलंब रोचे आपन को कहीं शनि विलंबर कार्यक्रम जेहतु सेभेन्थ हाउस लॉर्ड शनि सेभेन्थ हाउस हिं पोजिशन रखुच्छे एवं सूर्य सहित कंजक्शन करुच्चे मेरेज अहैतुक विलंब होती वर्तमान समय गोटे चंडी पूजा करूँ चंडी पूजा विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण संपुट करातु हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपुट करातु सप्तशती चंडी में बहुत शीघ्र मेरेज हे बहुत भल मेरेज पार्टनर मिल पार आपको ब्लाक कलर को टोटाल एवोड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर एवं रेड कलर को अधिक यूज करूँ जहाँ भी पढ़ापढ़ी करुँच बहुत भल सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको मिल पार 3 अक्टोबर 2024 पर बहुत भल समय जहाँ भी योग्यता अच्छे आपके जमी आप पढ़ापढ़ी करूँ से हिसाब से सर्विस मिल पार कि लाइफ में जहाँ भी आप परिश्रम करश्रम जारी रखु अधिका परिश्रम कलापर आपको प्रत्येक जिनसे सफलता मिल पार एवं राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो टोपास पिंधतु एवं राइट हैंड लिटिल फिंगर गोटे पान्ना पिंधतु आपको सर्विस मेरेज लाइफ पर बहुत पॉजिटिव रही है आउ जड़े कले जो कथा हेलो आज कहतु क्या विषय जान नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे
ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର। 20/10/1961। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 10:43 ରାତି ସାର। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଭଦ୍ରକ ସାର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଲାଇଫ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ତୁଳା ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୁଧ ହସ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ପୂର୍ବା ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଦିଗା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇଏସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଅପରଚୁନିଟିର ଫାଇଦା ଆପଣ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଗ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି ଅଧିକା, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ତେଢ଼ା ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ରହୁଛି, ଚିତ୍କୋର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଏକତରଫା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଜବ୍କୁ ନେଇକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। 20/09/2022 ପରେ ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ ଅସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ବିବାହ ଲାଇଫ୍ କେମିତି କଟିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିବାହରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳକୁ ନେଇକି, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବିଶେଷ କରି। କିନ୍ତୁ ଜାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ମାଙ୍ଗଲିକ ହେବେ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ, ମଙ୍ଗଳ ଉର୍ଜାର କାରାଗ୍ରହ, ଏଗ୍ରେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଅଗ୍ନି କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ହାଉସ୍ମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଆପଣ ରହିବେ, ଅଧିକା ଉର୍ଜାବାନ ରହିବେ ଏବଂ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ରହିବ, ଲଜିକାଲି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କିଛି ନା କିଛି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ନା କିଛି ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପଗ୍ରହ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଶନି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ, କେତୁ ସହିତ, ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ, ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଜଣେ କଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 9/5/1994। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। 9/1994। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 7:30 PM। 7:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଅନୁଗୁଳ। 1994 କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖକୁ ନେଇକି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ହିଁ ରହୁଛି ମେଷ ରାଶି,
अश्विनी नक्षत्र मेष राशि वन बाय वन जेहेतु मेष राशि लॉर्ड मंगल लग्नाधिपति मंगल फिफ्थ हाउस पोजिशन रखुच अधिका ऊर्जा रोचे आपंक अधिका एग्रेसन रोचे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस अधिका रोचे अधिका स्पष्टवादी आपण जेहेतु सूर्य चंद्र कंजक्शन होती अमावास्या पाखापाखी आप जन्म होती मानसिक अस्थिरता अधिका अच्छी कन्फ्यूजन शिकार होती बहुत समय किसी डिसीजन नहीं जाती जोटा कि आपं नेगेटिव हो जाऊँगी लॉस हो जाऊँगी किंतु मैरेज जहाँ भी आपं प्रश्न रोचे सेभेन्थ हाउस को देखा सेभेन्थ हाउस लॉर्ड शुक्र दाम्पत्य शुक्र सुखर कारक शुक्र सेभेन्थ हाउस ही पोजिशन रखुच्छे कितु बुध केतुर क्लोज कंजक्शन अच्छी से मैरेज को लेकिन अधिका अहैतुक विलंब हम जेहेतु चंद्रदशा राहु अंतरदशा कंटिन्यू करुच्छे मैरेज आपंपर कि आग को समय अच्छी मैरेज पर बहुत भल समय अच्छे आपको 11 अगस्त 2023 पर घरठ उत्तर पूर्व दिगर आप मैरेज हम मैरेज पार्टनर का स्वभाव चरित्र बहुत पॉजिटिव रहा किंतु किना कि मतांतर मनातर मैरेज लाइफ में लग कि रुँ मैरेज पर गोटे प्रतिकार करूँ वर्तमान समय गोटे रुद्राभिषेक करूँ पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसारम सागर शिकुलोद्भवाम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करातु अष्टाधे बहुत शीघ्र मैरेज हम बहुत भल मेरेज पार्टनर मिल पारे आपको मैरेज पर फ्यूचर पर अनेक प्रतिकार करूँ राइट हैंड मिडिल फिंगर में व्हाइट जिरकन पिंधतु और राइट हैंड लिटिल फिंगर में ब्लू मून पिंधतु कहीं मानसिक स्थिरता अधिक आसी लाइफ डिसीजन नहीं पार ना ब्लैक कलर को टोटाली एवॉइड करूँ ग्रीन कलर व्हाइट कलर येलो कलर सिल्वर कलर और रेड कलर को अधिक यूज करूँ बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से पाई आउ जने कला जो कथा बा हेलो हेलो आज्ञा कौन तो का विषय जानि हां सर सर नमस्कार नमस्कार हां सर मो मां को विषय जानि चाहू छी कौन तो जन्म तारीख हां सर 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1965 समय कौन तो समय सकाळ 7:30 मिनट जन्म स्थान कौन तो कौन जाने चाहूं जो ती मां को सर हेल्थ कंडीशन विषय जाने अच्छा हां तां देव सर 8-10 वर्ष होला बहुत खराब अछि अच्छा बॉडी पेन होउछि सब बेले ठीक अच्छा जहां आपन को जा भी प्रश्न होउछि विशेष करी हेल्थ को लेके चिंता करूछंती केते आपन को हेल्थ रे पॉजिटिव अछि जाने को चाहूछंती जेतु आपन को लग्न होउछि बिछा लग्न एवं लग्नाधिपति मंगल जेहेतु केतु सहित शुक्र सहित युक्त अच्छी आप राशि मत रोच तुलाशि जेहेतु विशाखा नक्षत्र तुलाशि रोच 16/7 जेहेतु तुलाशि रोच तुलाशि जस्टिस राशि अधिका न्यायवान नौ अधिका जस्टिस पक्ष नौ प्रत्येक समय पर प्रकार नेचर मत रोच अन्य को साय करवा सम्मान करवा आपण रोच किंतु जेहेतु शनि आप फोर्थ हाउस बकरी अच्छी लग्न पूर्ण त्रुटि रोचे लग्नाधिपति पूर्ण त्रुटि रोचे से बॉडी पेन प्रत्येक समय लग कि रोचे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एवं जॉइंट पेन अधिक रोचे आपन को एवं दीर्घकालीन रोग आपको लग कि रोचे जेहेतु वर्तमान समय मध्य चली शुक्र दशा मंगल अंतर्दशा आगु मध्य शुक्र राहु अंतर्दशा चलबार अच्छे अधिक नेगेटिव रोचे हेल्थ को लेकिन प्रत्येक समय किसी ना कि हेल्थ इश्यू फेस करतमान समय अच्छी आगो को किसी ना कि अधिक आपको इश्यू आस 18 सेप्टेम्बर 2022 पर किसी नेगेटिव रोचे दीर्घकालीन रोग विशेषकर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अधिक मात्रा रोचे किंतु किसी ना कि चेंजेस आप लक्ष्य करेंगे 2023 जनवरी पर 20 जनवरी 2023 जहाँ भी आपको अच्छी पॉजिटिव हो पार कि क्योर आपे कि वर्तमान समय गोटे रुद्राभिषेक आपतु रुद्राभिषेक विशेषकर रोगान शेषा नवहंसी तुष्टा रुष्टा टुकामान सकला नविष्टान तुमा श्रितानम नविपन्नराणम तुमा श्रिता ह्या श्रेताम प्रयंती ये मंत्र को संपूर्ण संपुट करातु अष्टाधे जहाँ भी हेल्थ को लेकिन स्ट्रगल कर बहुत भल हेल्थ हो पार एवं ब्लैक कलर को टोटाली एवोड करूँ डार्क कलर को टोटाली एवोड करूँ ब्लैक ब्लू वायलेट कलर को टोटाली एवोड करूँ ग्रीन कलर येलो कलर व्हाइट कलर सिल्वर कलर को अधिक पिंधतु बहुत भल फ्यूचर अच्छी बहुत भल सक्से मिल पार आपको तो दर्शक बंधु आलोचना करुँचे देखुं बहुत अधिका प्रतबंधक आसी बहुत विलंब होती चिंता अच्छी आप जानक चाहते आप जतक कौन ग्रह दोष अच्छी कौन ग्रह दोष अच्छी से चिंता करुँचे बहुत आप
ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆପଣ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପ ଗ୍ରହ ସହିତ ଲଗ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍, ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ହାଉସ୍ମାନଙ୍କରେ, ଆପଣ ମାଙ୍ଗଲିକ ହେବେ, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ପରେ କିଛି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ କଟିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଏକ ପାପଗ୍ରହ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାପଗ୍ରହ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ଅଧିକା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଦଶା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ହିଁ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଏବଂ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ଼, ଯଦି ଅଧିକା ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି, ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ଅଛି ବିବାହ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର କାରାଗ୍ରହ, ସ୍ପାଉସ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ସୁଖ କାରାଗ୍ରହ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି ଶୁକ୍ର ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ବୃଷ କିମ୍ବା ତୁଳା ରାଶିରେ ପରିଚନ୍ନ କରୁଛି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆଶୀର୍ବାଦର ଗ୍ରହ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ବୃହସ୍ପତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଅଛି ବିଶେଷ ଯୋଗ, କାହିଁକିନା ବିବାହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଯଦି ବିବାହ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜାତକରେ ଯୋଗ ଅଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।